कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही अपने का नाम बता पुत्र। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम महाराजा धीराज महाबली सिंह जी। आई महाबली महाशया की बेटी। महाशया की बेटी नहीं, निक्के की नानी, महाराजे की। आई महाबली महाराजे की बेटी, हमारी लस्सी गई पी, हमारा मक्खन गई खा, आई बछड़ों की माँ। बछड़े किधर है? बछड़े आ जाने हैं, सबर कर। लो कौशल्या बहन, अब आप देख लो मुंह रोशन की बोटी का। अच्छा जी। मुंह तो लड़की का देखा हुआ है, चूल्हे पीछे घड़ा है, वास्ता पहले भी पड़ा है। मुसीबत ज्यादा औरतों वास्ते चंदा करती आई थी राजकुमारी यहाँ पहली बारी। अब इसने किसके वास्ते चंदा करना है? रोशन के। आहो जी निक्के की नानी जी, और साथ में आपको भी ले जाना है इसने, क्योंकि आप तो वसूली का हर हथकंडा जानते हो। तेरी माँ ने बनाया चूरमा, तेरा बाप ले आया मिठाई, तूने लप गड़प खाई, जरा ना शर्माई। मैंने कहा लाजो, तेरी बीबी रानी को तो बड़ी हंसी आती है। अरे बीबी रानियों की हंसी से ही तो रौनकें होती हैं आंगनों की। बहुत सर मत चढ़ाओ समधन, जो तुमने बिठाया पर छत्ती, इसने ले लेनी अपनी पत्ती। बेशक ले, सारा कुछ ही इसका है। वाजी, लाजो की बीबी रानी तो बहुत ही सोनी आई है, सूरत ऐसी कि देखते आंखें नहीं थकती। मौसी जी, आप मेरे वाले डायलॉग क्यों बोलने लग पड़े? क्या कहा पुत्र ने, मेरे को भी समझाओ। ऐसे ही मस्करी करता है गुदूस। मस्करी तो सारी निकल जानी अब इसकी। दूल्हे पल्ले बान बदाम, दुल्हनिया आई तेरी जवान। वोटी की जवानी से आप क्यों परेशान होने लगे बंतु बहन जी? मेरे ख्याल अब बीबी रानी को आराम करने दो। वैसे इस महलों वाली को यहाँ किधर से आराम मिलना है? मैं तो कहती हूँ इसे और रोशन को थोड़े दिन वास्ते हमारे यहाँ भेज दो। निक्के की नानी जी, आपका दिल तो सचमुच उतना ही बड़ा है जितनी मेरी बीवी की रियासत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ काके, मैं इनसे प्यार कर लूं बातें नहीं, मेरे को दाई जी को देखना है। देख पुत्र, और जब जी भर जाए तो बेरंग चिट्ठी डाल देना। बिरादर, वाह, सब तूने हमारी बहुत सेवा की। बोल तेरे को क्या इनाम दिया जाए? मैंने तेरे से कोई इनाम नहीं लेना, सिर्फ सफाई लेनी है। मैंने तेरे से उसी दिन कह दिया था कि श्यामलाल झूठ बोल रहा है। कि मैं झूठ बोली है? कोई ना भाई, कोई ना। वही वाह वाह वही वाह। ताई जी नाचो। हाँ भाई, सारी नाचो। वही वाह वाह वही वाह वही वाह। बीबी रानी ने तो आते ही सबको नचाना शुरू कर दिया। चलो मास्टर जी, आज की तारीख में भी आखिर हंस ही लिए। माता जी, रोशन से कहो मेरे से उस बारे में बात करे। पुत्र, मैंने तेरे से कहा था ना कि ब्याह में रंग में भंग ना कर। अगर तेरे को रोशन की सफाई पसंद नहीं ना आई तो बाद में बात कर लेना। अभी नई नवेली बीबी रानी के सामने इस तरह का किस्सा कहानी लेकर बैठ जाना तो ठीक नहीं। ठीक है, तो कल रिसेप्शन के बाद।
अरे काके को तो नींद आ रही है। क्यों भाई काके, आज किधर सोना है, पापा जी के साथ कि दादाजी के साथ? ताई जी के साथ। फिटे मुंह। ताई जी सुलाओगी ना? जरूर। यही बुनिया। काका शीशी गिरा मत देना। मैंने खुशबू लगानी। मैं बाद में लगा दूंगी। आप गंगा की मौज हो क्या? किसने कहा? रात में ताई जी आपसे कह रहे थे। हूँ, मगर तू किसी को बताना मत। अच्छा, हो रहेगा मिलन। ये काका तुम्हारे वास्ते परमानेंट चिपके हसन बन गया। बाहर जाना पुत्र, तेरा पापा लड्डू बांट रहा है। मेरे को ताई जी के साथ जाना है। ओए नानी के चरखे, इस तरह ताई जी के साथ जाया करेगा तो लोग यही समझ लें कि ताई जी से साथ लेके आई है। मेरे को ताई जी का नाम भी पता चल गया। क्या नाम है? सोनियो मलाई की दोनियो। हंसते क्यों हो ताई जी? आप रात को ऐसे ही बुलाते थे। इस तरह हम बुला सकते हैं, तू नहीं। आप सुनो, ये मेरा साड़ी का फॉल नीचे से ठीक नहीं है, जरा खींच देना प्लीज। आपकी सारी दासियां कहाँ चली गई प्रिंसेस? आपके दासों के साथ भाग गई प्रिंस। कौन भाग गई? चरखे की नानी भाग गई। किसके साथ? नानी के चरखे के साथ। मेरे साथ तो भागी भी नहीं। चलो कोई नहीं, हम भागेंगे तुम्हारे साथ। अरे उतारो इसे। अच्छा, चरखे भाग। अरे बाबा इसे नहीं, ये जो पोशाक तुम भाड़े पे ले आए हो इसे उतारो। तो रिसेप्शन में कच्चे बनियान में जाऊं? तुम्हारे पास अपने कपड़े भी तो है ना, उन्हें पहनो। मैं तो समझता था कि तुम्हें इस पोशाक से खास प्यार होगा, क्योंकि इसे पहनकर ही मैं तुम्हें रिझाने पहुंचा था। धोखा देने पहुंचे थे तुम, और मैं भी तुम्हें धोखा देने पहुंची थी। रोशन, अब इस धोखाधड़ी को खत्म करो। खत्म ही है? अपने माताजी पिताजी को बता दो। देखो मैं तुम्हें शादी से पहले से कह रही हूँ। उन्हें बता दिया तो उन्होंने दुनिया को बता देना है, और फिलहाल मेरा फायदा इसी में है कि दुनिया समझे कि मेरी शादी एक राजकुमारी से हुई। अरे ये क्या, जल्दी तैयार हो, लोग आने के लग पड़े जी। और ये क्या, तू बहरूपिया क्यों बना है रोशन? मैंने भी इनसे यही कहा माताजी। हर बात में माताजी पत्नी जी की एक राय होनी है, तो रोशन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जानी है। वो तो होनी हुई। चल ये कपड़े बदल और बाहर आ फटाफट जा। माताजी मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। बोल बीबी रानी। माताजी असल में मैं एक मामूली लड़की हूँ। ना बीबी रानी ना, तू तो लाखों में एक है। लाजू जी, पकौड़ों के लिए बेसन की मांग हो रही है। अरे बेसन तो वहीं रखा है। माताजी। बीबी रानी कुछ कहना चाह रही है शायद? ये कह रही है मैं एक मामूली लड़की हूँ। इसका ऐसा कहना ही बताता है कि ये मामूली नहीं है। चलिए। लाजी, आ गए मुंशी खजान चंद। बल दीवान चंद। भाई बहुत बात बताइए। राज, ये हमारे दादाजी के मुंशी जी हैं। ओ नहीं भाई, राजकुमारियों से पांव छुआना कोई चंगी बात नहीं ना। मुंशी जी अब ये इस घर की बीवी रानी है। साईं जी वे सदा सुहागन रहे। क्यों भाई, छोटे लाट किधर है? पिताजी मुंशी जी आ गए। भाई बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आपको भी मुंशी जी। भाई अपना रोशन देर से लाया मगर दुरुस्त लाया। लेट बट रब तेरा भला करे, फर्स्ट रेट। और मुंशी जी आपकी अंग्रेजी सिंपली ग्रेट। और वही मास्टर हवेली राम के साथ बैठकर सीखी है ना। छोटी लाटनी भाई बहुत बहुत बधाइयां हों। अच्छा अब ये बता कि कब खिलवाने हैं पराठे? नई मोटी के हाथ के। मुंशी जी आप जब कहिए। और
सुना भाई सतबीर पुत्र जिंदर लॉन्ग लिव सन। क्यों भाई तू इतना सुस्त क्यों पड़ा है? अब तो हो गई तेरे वास्ते लाइन क्लियर, अब हो जाए तेरा ब्याह। मैंने तो कराना ही नहीं। कैसे नहीं कराना जी, जरूर कराना है। और सुना ऐसा फिक्का फिक्का वाला नहीं, तुम तड़के वाला। शरबत पियो जी। नहीं भाई वो डॉक्टर ने चीनी वास्ते मना किया है। अच्छा चल फिर पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये तो बहुत ही प्यारा तोहफा है, हम लोग लाला वृषभान का शुक्रिया अदा करने जल्दी ही आएंगे। वो तो आज खुद आने वाले थे, लेकिन इधर जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैंने ही उन्हें मना कर दिया। नहीं चंगा किया, वरना सतबीर ने जरूर कोई बखेड़ा खड़ा कर देना था। रोशन बच्चे को किसी तरह से भिजवा सकते हो, जेबी की तबीयत इधर नासाज है और वो उसे मिस कर रहा है। मैं क्या बताऊं, श्यामलाल ने सारा काम बिगाड़ दिया। खैर मैं कोशिश करता हूँ। अरे वो इतना जरूरी नहीं है, देखो प्रिंस हमारे लिए क्या लाए हैं। जी शुक्रिया। क्यों रोशन, श्यामलाल जी ने आप लोगों का क्या काम बिगाड़ दिया? नहीं नहीं वो कोई खास बात नहीं है, क्लब के इलेक्शन के बारे में बात हो रही थी। इस मरतबा श्यामलाल की वजह से वहां दो फिरके हो गए, वरना तो हमेशा यूनैनिमस चुनाव होता था। वकील साहब आपके पेशे में कीमत सच बोलने की होती है कि बात बनाने की? मेरे ख्याल से बच्चे को वहां मत भेजना। हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि प्रिंस को पैसे भेजने का प्रेजेंट अरेंजमेंट जारी रहे। हाँ जी उसे सबसे पहले चलाना, वरना मैंने आप रुक जाना है। मैं जरा तुम्हारे वालिद साहब से मुलाकात करके आता हूँ। ये तो लाला वृषभान होरी का वकील है शायद। आपसे क्या छिपा है निक्के की नानी जी? उन लोगों की ओर से बीबी रानी वास्ते कोई जेवर शेवर लाया होना है। आप तो सब समझते हो निक्के की नानी जी। दिखा तो जरा। देखो मत गश आ जाना है, आपकी बेटी जवाई तो यहाँ है नहीं, मुसीबत हमारी हो जानी है। मैंने आप पहने हैं एक से एक जेवर, इस तरह का भी था मेरे पास। लाला वृषभान को आप ही ने बेचा होना है। वो लोग गए शिमले। शादी मेरी हुई, हनीमून मनाने प्राजी चले गए। तेरे को क्या कमी है, तू तो आप जा रहा होना है हनीमून मनाने के वास्ते। निक्के की नानी जी मेरा मन तो इसी उलझन में है कि हनीमून गाजियाबाद में मनाऊं कि गुड़गांव में। मजाक करता है, तुम तो कई फॉरेन कंट्री जा रहे होने हो। फॉरेन में ये उलझन है कि लंदन जाए कि वॉशिंगटन। दोनों ही जगह चले जाना, पास में पैसा हो तो फिर दो क्या चार चार जगह हनीमून मनाओ। एक दो तीन चार बस। और ज्यादा का क्या करना तेरे को? खाएगा खाने वाला। खाएगा इस गीत की खबर आप तक कैसे पहुंची? ये बच्चा अक्सर आता रहता है ना मेरे यहाँ। गोया श्यामलाल जी सही कह रहे थे कि उन्होंने काके को आपके और लाला वृषभान के यहाँ देखा है। सच से पूछे बगैर बच्चे को वहां भेजकर रोशन ने ठीक नहीं किया। भाई मियाँ इसके लिए मैं ही गुनहगार हूं, मैंने ही रोशन पर जोर दिया। दरअसल आपकी बहन वीरा वाली इस बच्चे के बारे में लाला वृषभान को सब कुछ बता गई, और फिर लभाया राम की शादी की रिसेप्शन के बाद जब सुभद्रा से उसे ये मालूम हुआ कि बहुत ही प्यारा बच्चा है तो जिद करने लगा कि उसे यहां ले आओ। सुभद्रा बहन को पता है कि ये? नहीं वो समझती हैं कि सतबीर का है। बस रोटी ला और कुछ नहीं? कुछ तो और जरूर लाए होंगे साहब। हबीबुल्ला साहब मेरे को ये तो पता था कि लाला वृषभान एंड कंपनी घूस देने में यकीन करती है, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि छोटे बच्चों तक को घूस देकर गुमराह करती होगी। हबीबुल्ला साहब इन हरकतों से बाज आ जाइए वरना मैंने होश कर सकता।
ये क्या तरीका है मेहमानों के साथ बात करने का? ये मेहमान मेजबान जो भी हैं, सब रोशन के, मेरे नहीं। रोशन के लालच से आप रोशन को खरीद सकते हैं हबीबुल्लाह साहब, मेरे को नहीं। तो फिर ये कोई मौका है लड़ने का? अरे ये गर्मा गर्मी क्या होने लग पड़ी जी? जी कुछ नहीं, एक नाटक है ये भी। सतबीर मुंह से तो कहता चला जाता है कि लाला ब्रिशभान के पैसे से मुझे घिन आती है, और रोशन की मार्फत लेता भी चला जाता है। जरूर रोशन ही कोई हेरा फेरी कर रहा होना है जी। सत तो बेचारा संतों वर्गा बंदा है, ना झूठ बोलता है ना लालच करता है। हमें सब पता है कौन कैसा है। संत कोई है तो बेचारा भूषण, बाकी तो ये सब बड़े सियाने हैं। देखो रोशन भी राजकुमारी ब्याह लाया, साथ खूब लाई होनी है माल मत्ता जमीन जायदाद रोशन के वास्ते। ना जी ना, हमने तो सुना है कि बेचारी ने अपना सब कुछ देकर गरीबी अपना ली है। तो रोशन ने उसका सब कुछ लेकर अमीरी अपना ली है, बस एक हमारा भूषण ही छूट गया है पीछे बेवकूफ, जबकि शुरू से ही सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। अरे भाई प्रिंस ऑफ पुराना किला, लॉर्ड ऑफ लाजपत नगर, हम लेट लतीफों के लिए भी कुछ बचाए कि सब खत्म करा दिया? आप ये मेरे मेहमान। अरे वाह, अपनी शादी के रिसेप्शन पे भी रोशन लाला ब्रिशभान इन सन से सौदेबाजी में जुटा हुआ। आओ जरा हम भी तो देखें क्या सौदा हो रहा है। अच्छा इजाजत चाहूंगा हवेली रानी। हाँ कल रीजनल कमेटी की मीटिंग के बाद अगर कुछ ना कर रहे हो तो आप और लाजवंती बहन मेरे साथ घर चलें। जरूर चलेंगे। अच्छा रोशन फोन करना कल जी, कुछ तय करेंगे। ओ वकील साहब क्या तय करवा रहे हो? आपने जो भी तय करना हो मेरे साथ करें, और लाला विश्वान से कह दें कि भले ही रोशन को चोली फैलाने की आदत हो, वो मेरा नाम लेकर उसमें भीख नहीं डाल सकते। सत्यवीर मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि इस बारे में जो भी बहस करनी हो वो शादी के बाद करना। शादी हो चुकी है पिताजी, अब मेरे से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाती है ये धोखाधड़ी। यकीन मानो प्रिंस बेटे, तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही। अजी इस गरीब के साथ तो पैदाइश से भी पहले से धोखाधड़ी हो रही है। सत तू इन श्यामलाल जी की बातों में मत आ, तू जानता है कि कितने बड़े धोखेबाज है। तुमसे बड़ा नहीं रोशन लाल, तुम तो भैया अपने माँ बाप से भी धोखा कर सको हो। जबान संभाल के बात करो श्यामलाल जी, एक तो बिना बुलाए यहाँ आ गए और आती बकवास करने लग पड़े। ये लभाया लाया मुझे तो, मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगवाने कि मैंने अपने माता जी पिताजी से धोखा किया। झूठा इल्जाम? भैया लभाया राम ये तुम्हारा घरेलू मामला है, तुम ही बता दो क्या बात है लभाए। चाचा जी ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप तो जानते हैं कि रोशन को मस्करापन बहुत पसंद है, इस करके इसने आप लोगों से कह छोड़ा है कि ये परजाई जी राजकुमारी है। तो क्या नहीं है जी? मेरे को निवेदिता जी के यहां से मालूम पड़ा कि ये राजकुमारी तो नहीं है, अलबत्ता किसी राजकुमारी की नौकरानी जरूर रह चुकी है। उन्होंने तो इस तरह का झूठ बोलना ही हो। बाहर श्यामलाल जी की गाड़ी में परजाई जी की मौसी बैठी है, वो भी झूठ बोल रही है। श्यामलाल जी जाओ जरा बुलाकर लाओ उन्हें। नहीं उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, ये लोग सच कह रहे हैं। मैं खुद ही आप लोगों को सच बता देना चाहती थी लेकिन इन्होंने रोक दिया। इनसे यही उम्मीद थी। बड़े भाई को कभी बड़ा नहीं समझा, चलो कोई नहीं, मगर ये तो हद से भी हद है कि माँ बाप को भी कुछ नहीं समझा, उनसे भी धोखा किया। मैंने कोई धोखा नहीं किया, हम लोग तो थोड़ी देर पहले ही माताजी को सब कुछ बताने लगे थे, इन्होंने सुना ही नहीं। मैंने कहा था ना माताजी कि मैं एक मामूली लड़की हूँ। यही कोई नहीं समझता कि हम मामूली इंसान हैं, हमें भी बुरा लग सकता है। रोशन तू मेरे को भी कुछ अपने आप बताने वाला हो तो बता दे, बाद में मत कहना कि मैं तो खुद कहने वाला था। क्या जानना चाहता है? तू हबीबुल्लाह साहब से क्यों मिलता है? क्योंकि ये कभी कभी धंधे में मदद करते हैं।
लाला विश्वान के पैसों से? मेरे को पता नहीं किसके पैसों से, और उनका भी हो तो क्या, मेरे को नफरत है उनके पैसों से। उनके पैसों से नफरत है तो आप अपने से भी होनी चाहिए, तू भी तो उनका ही है। मेरे को है नफरत अपने से, सुना है, और तू इस नफरत को बढ़ा मत रोशन, वरना मैंने अपने भीतर लगी हुई आग से बेचैन होकर अपने पार भी आग लगा लेनी है। शुभ शुभ बोल पुत्र। ये क्या हो गया, क्यों लड़ते हो इस तरह? देख रोशन, जो बात सत नहीं चाहता वो मत करना पुत्र। चंगा जी, मैंने ना हबीबुल्ला साहब से मिलना है, ना इसके काके को उनके पास भेजना है। और सच, अगर तू उसे गुस्ताखी ना समझे तो तेरे को याद दिला दूं कि मेरी कली शादी हुई है, और वो भी राजकुमारी से नहीं, उसकी नौकरानी से। अच्छा, तो हबीबुल्ला साहब ने ये कही कि बच्चा शहर से बाहर चला गया है। ठीक है, और जेबी साहब का पूरा ख्याल रखा करो भैये, अब हम तो उधर ज्यादा आ नहीं पाते। अच्छा ठीक जी, क्या खबर है? खबर ये है कि जेबी साहब तो काके के लिए तड़प रहे हैं, और हबीबुल्ला साहब ने ये कही कि बच्चा शहर से बाहर चला गया है। तुम इस काके को कभी अपने घर लाके मुझे खबर कर सकते हो? जरूर, जो हबीबुल्ला साहब रोशन को देते रहे हो वो आप मेरे को दिला देना। और उसके वास्ते मैंने माताजी पिताजी से माफी मांग ली है। रोशन ने आइंदा सही रास्ते पर चलने को कहा है। इसमें भी कोई पेच होना है, पहले तेरे को हर चीज सीधी सपाट दिखाई देती थी भोले बादशाह, अब हर कहीं पेच नजर आने लगा तेरे वर्गे लोगों की वजह से। पापा, पता है लड़ते क्यों हैं?